दबंगों ने पति पत्नी के साथ की बेरहमी से मारपीट, कर्ज के पैसों को लेकर हुआ विवाद। शिवपुरी जिले के रनौद थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में गुरुवार की सुबह खेत पर सरसों काट रहे एक दंपत्ति के साथ गांव के ही चार दबंगों लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ इलाज के बाद पीड़ित दंपति ने घटना की शिकायत SP ऑफिस पहुंचकर दर्ज कराई, जहां से उन्हें थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक राम भजन जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी लालपुर थाना रनौद ने बताया कि कर्ज के पैसों को लेकर गांव के ही राम कुमार परमार, विनोद और वीर सिंह दांगी ने उसकी और उसकी पत्नी मानाबाई उम्र 27 वर्ष की आज सुबह खेत पर सरसों काटने के दौरान लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वह दोनों घायल होकर बेहोश हो गए, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। राम भजन जाटव ने घटना की शिकायत SP ऑफिस पहुंचकर दर्ज कराई है। मैं दादा तुम मेरा राम महाराज जाटा कहाँ के रह भाई? लालपुर। लालपुर कौन सा थानों लगता? रनौद। रनौद क्या मामला लेके SP ऑफिस आयो? जी मामला है कि हमारे पति पत्नी को मारा है, हम सरसों काट रहे थे हमारी। हाँ किन लोगों ने मारा है? राम कुमार, वीर सिंह और परमाल विनोद। ये कौन है जी? नरेंद्र। कौन बिरादरी है जी? बेदांगी ठाकुर है। दांगी ठाकुर है। तो किस बात के लिए मारा उन्होंने? जी सरसों काट रहे हैं, कहीं हमारा खेत है, हमने ले लिया फलाना ढकाना। खेत किसका है? खेत हमारा ही थे और भैया है तो हमारा ही। हाँ घर पे मतलब भवानी मंडी राजस्थान रेल लगे तो बिन्ने बिन के रुपये मेरे रुपये पटवा रहा है बिन के, कहीं तूने मेरे रुपये दे दिया कहीं मगर रुपया तो भैया तूने यार मुँह पे सब लिखा पड़ी है सब मुँह पे। हाँ माने पैसे दे चुके उसके बाद भी? हाँ उसके बाद भी मुझे मार रहे हैं। सरसों नहीं कटवाने दे, काटने दे रहे थे जो तुम्हारी पत्नी है। हाँ क्या नाम है? माना जाटा। अच्छा दोनों को मारा है, कहीं से मारा? जो मुँह में तो जो बुलाइए रही है लड़िए रही जो पता नहीं है और जहाँ भी चोट है जहाँ पर। अच्छा और पेट में लात रही है, मेरे पेट भी दर्द कर रहा है। जब उसको बाइक को कैसे मारा? बाइक से लड़ियाँ रही है जहाँ में जो लड़िए रही है। अच्छा अच्छा जो लड़िए रही है ठीक है।